आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, क्या वे लोग भाग्यशाली होते हैं, क्या उनका भाग्य अग्रसर रहता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि रात में सोने के बाद अचानक ही नींद खुल जाती है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वो लोग इसे आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, बल्कि हर चीज होने का कोई ना कोई कारण होता है। दोस्तों, आज हम आपको उन लोगों के बारे में कुछ खास बात बताएंगे जिनकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। हमें यकीन है कि आप इसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो समझ लीजिए कि इसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का बहुत बड़ा इशारा है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय अमृत बेला कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। गौरतलब है कि ये अलौकिक शक्तियां आपको कुछ न कुछ खास इशारा देना चाहती हैं और आपको बस इस इशारे को समझना है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सकारात्मक शक्तियां इस समय केवल उन्हें ही जगाती हैं जिन्हें वो खुश देखना चाहती हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जगने से व्यक्ति को धन और धान्य दोनों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। सुबह उठना न केवल मन के लिए अच्छा होता है, बल्कि सारे शरीर को काफी लाभ होता है। जो लोग सुबह उठते हैं वो दिन भर ताजा महसूस करते हैं। गौरतलब है कि यदि आपकी भी नींद इस समय खुलती है तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर कुदरत के इशारे को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये जिंदगी आपको खुशियों से भर देगी। हालांकि कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते, वो इसे अंधविश्वास का नाम देकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। मगर जो लोग इन बातों को यकीन नहीं करते उन्हें हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि शास्त्रों में भी कोई बात बिना वजह नहीं लिखी जाती। वैसे सुबह का ये समय काफी भाग्यशाली होता है। ऐसे में अगर आपकी नींद सुबह के समय जल्दी खुलती है तो इसका मतलब यह है कि आपका भाग बहुत ही जल्दी उदय होने वाला है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अखबार वाला भी तो रोज सुबह उठता है, उसका भाग क्यों नहीं उदय होता, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अखबार वाला अपनी मजबूरी में उठता है, उसे अलौकिक शक्तियां नहीं जगाती। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये बात आपके लिए काफी जरूरी हो सकता है। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है,